मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहली हेलो दोस्तों, फिर नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अड्डा 24/7 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी, लेकिन उसके साथ साथ आज हम करते हैं वीकली डिस्कशन। तो पूरे वीक में जो भी हुआ और स्टैटिक अवेयरनेस के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने इस वीक से, वो सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा फटाफट से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सैटरडे संडे को स्पेशल सेशन होता है, तो आज वही वाला सेशन है आप लोगों का सैटरडे का, एक वीकली सेशन जो होता है गाइस। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ गए हैं यहां पर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अर्ता मेहर, सुधा, मुकेश, पंकज, सीमा, राहुल, आप सभी को एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, एक बार उसको जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा फटाफट से, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जी, एक बार स्क्रीन पर लगा दिया जाए। तो गाइस, आज है 7 दिसंबर, और जैसा कि आपको पता है कि ये शो हमारा डेली कितने बजे होता है, सुबह 6 बजे, और यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कितने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही के साथ आज शनिवार स्पेशल, तो शनिवार को क्या होता है, जैसा कि सभी लोगों को पता है, वीकली स्पेशल, मतलब पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हम स्टैटिक अवेयरनेस के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने इस सेशन को जल्दी से क्या कर देंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे वीडियो के लिंक को, सभी जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और जहां जहां भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सभी जगह पर। तो आइएगा सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन में क्या है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर करना होगा आप लोगों को। तो एक बार सभी लोग आ चुके हैं यहां पर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग लवकेश जी, गीतिका जी, श्रेया जी, सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है, प्रवीण, अनिल, अखिल, राहुल, आपको भी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो कंप्यूटर जी, मुझे एक बार दूसरी साइड लगा दिया जाए। तो देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है गाइस, ये क्या है हमारा, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। तो गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे, ये जो रेस नामक एक उच्च शिक्षा मॉडल है ये किसने लॉन्च किया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो यहां पर सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी से आप लोग, कि हरियाणा होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा या फिर महाराष्ट्र होगा। तो जल्दी से एक बार इसका आंसर बताएंगे तो सभी लोगों का। देखो यहां पर जैसा कि आंसर आ रहा है, जगेश्वर लोधी, राजस्थान। देखो दो तीन चीजें अब यहां पर हम देख करके चलेंगे, देखो दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है, जो आंसर होगा गाइस वो होगा आप लोगों का राजस्थान। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब तक मैं एडिशनल जानकारी आप लोगों को देता हूं। बात कर लेते हैं गाइज हरियाणा की, हरियाणा की अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपसे नॉर्मली, देखो एक यहां पर हरियाणा में कई सारी चीजें आप लोगों से बनती है जो पूछी जाएंगी। सबसे पहले हरियाणा के सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर, सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे, जो विधानसभा इलेक्शन है वो आपके अभी हरियाणा में हुए थे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विधानसभा इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कराते, वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, जल्दी से मुझे बता देंगे। तो गाइस देखिएगा, ध्यान रखेंगे, जो हमारा सीईसीए सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसकी, केंद्रीय चुनाव आयोग की, तो वो हमारे जितने भी लोकसभा के इलेक्शन है उसके साथ के अगर मैं बात करूं राज्यसभा इलेक्शन और साथ में जो विधानसभा इलेक्शन है उन सभी को कंडक्ट कौन कराता है, हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वही उसको क्या कराता है, कंडक्ट कराता है हमेशा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के और साथ में जो एमएलसी होते हैं आप लोगों के, उन सभी के जो चुनाव कंडक्ट कराता है वो कराता है हमारा मुख्य चुनाव, अगर मैं बात करूं आपको सेंट्रल, केंद्रीय चुनाव आयोग हमारा कराता है। और अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। और साथ में बात कर लेते हैं एक मोबाइल ऐप की जिसका नाम क्या है, सी विजिल।
सी विजिल मोबाइल ऐप क्या है, ये बेसिकली आपके जो चुनाव आयोग है उन्होंने लॉन्च की थी कि कहीं पर भी अगर कोई भी आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन में गड़बड़ी हो रही है तो आप इस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो विशेष स्तर ये किसके लिए थी, आम नागरिक के लिए थी, विजिलेंस के लिए थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से नेशनल विजिलेंस वीक कब मनाया जाता है, तो गाइज हमेशा ध्यान रखेंगे जिस वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है, जिस वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है वो वीक में आपका क्या मनाया जाता है, हमेशा आपका जो है विजिलेंस वीक मनाया जाता है, सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो यहां पर सभी लोग कर रहे हैं सुनील अरोड़ा। अच्छा, दो तीन चीजें मैं मुझे बता दीजिएगा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था एक बार जल्दी से आप लोग फटाफट बता देंगे और शेयर कर देंगे, बिल्कुल ओके। तो बिल्कुल पूजा जी, पीडीएफ डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी और अभी तक भी मिलती आ रही है, तो पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं मेन चीजों की। तो सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था गाइस, अगर मैं बात करूं तो सुकुमार सेन जो थे आपके, अगर बात करें सबसे पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम और सीएम का नाम जल्दी से मुझे फटाफट से मैसेज कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाए भांग की खेती को लीगलाइज करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो गाइज मध्य प्रदेश है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां है ये जल्दी से मुझे आप लोग बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, भोपाल में है, जल्दी से बताएंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछी जाएंगी गाइज, तो देखिएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, जल्दी से मुझे बता देंगे, बिल्कुल। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहां पर महाराष्ट्र की, तो गाइज महाराष्ट्र में अभी आपका अब तक महाराष्ट्र में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो गाइज 3 बार महाराष्ट्र में आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। दूसरा, अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं और 19वें नंबर के सीएम है, वो 19th सीएम है, ये बात आप क्या रख लेंगे गाइज, याद रख लेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी जाएगी, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तो सर महाराष्ट्र में है और आपका रावतभाटा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है, राजस्थान में, बिल्कुल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी चीज क्या कहते हैं आयुष पटेल जी जो क्या कहते हैं आपका, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश ने, तो मध्य प्रदेश ने बेसिकली जो किया है मेडिकल पर्पज से किया हुआ है, ठीक है, और उसको जो आपका यूके ने किया था, उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, वो स्पेशल स्टेटस के अंदर किया था, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। ओके गाइज, आगे चलते हैं फटाफट से एक बार जल्दी से, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और रेस की फुल फॉर्म बताइएगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा रेस की फुल फॉर्म, जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे जल्दी से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइट फेस्टिवल ऑफ आर्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष काइट फेस्टिवल ऑफ आर्ट मनाया जाता है, और ये आपका 6-7 दिन तक फेस्टिवल चलता है, जल्दी से बता देंगे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आसाम या फिर कर्नाटका। तो यहां पर गाइस जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि काइट फेस्टिवल जो आर्ट है आपका, अगर मैं बात करूं तो कहां पर वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका कर्नाटका में, सॉरी गुजरात में। तो आपका आंसर जो आ जाएगा गाइस, गुजरात आ जाएगा, गुजरात। तो यहां पर आंसर जो आ जाएगा गाइस, गुजरात आ जाएगा। अब दो तीन चीजें देखो यहां पर समझेंगे, कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ में किसको जोड़ रहा हूं गाइस, मैं महाराष्ट्र को जोड़ रहा हूं। एक कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जीआई टैग, तो जो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कल मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें एक ये बनता है, देखिएगा कर्नाटक, अगर कोई करता है नाटक तो उसको लाना पड़ता है रास्ते पर, अगर नाटक करता है कोई तो उसको महाराष्ट्र, ठीक है, तो उसको रास्ते पे लाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या काम करती है, कोल्हापुरी चप्पल। तो आपसे पूछा जाएगा कोल्हापुरी चप्पल को कहां से जीआई टैग मिला है, तो गाइज कोल्हापुरी चप्पल को कर्नाटक और महाराष्ट्र से जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, काफी बार पूछा भी जाता है कि कर्नाटक से कॉफी, देखो मोस्ट
अंकली कॉफी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बायनाड रोबस्टा कॉफी जो मिली हुई है वो केरल से मिली हुई है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी ज्यादातर कॉफियों का जो जीआई टैग मिला हुआ है वो कर्नाटक से ही मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल पर हम चलते हैं तो देखिएगा, करेगा कोई ज्यादा नाटक तो उसको रास्ते पे लाना पड़ेगा और उसके लिए है कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल आपका ये जीआई टैग है, सारे मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों ने रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो किस स्टेट को मिले हैं गाइस, कर्नाटक को मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला आपका राज्य कौन सा है, तो गाइस कर्नाटक सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाएगा गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे फटाफट से। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में एक स्कीम आप लोगों की स्टार्ट की गई है, उस स्कीम का क्या नाम है गाइस, वाईएसआर वाहन मित्रा। तो वाईएसआर वाहन मित्रा जो है आप लोगों की कहां की स्कीम है, आंध्र प्रदेश की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो इस स्कीम में गाइस 10,000 रुपए प्रत्येक टैक्सी चालक और ऑटो चालक को दिए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। ओके गाइस, आगे बात कर लेते हैं असम की, तो अगर पूछा जाएगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और साथ में सेखोवा डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क कहां पर है आप लोगों के, असम में है। कैसे याद रखेंगे, राजीव माना ना मेरी बात, पी लिया उसने ऑरेंज शेख काजी के साथ, तो काजीरंगा भी और औरंग भी, मानस भी, नामेरी भी, सभी नेशनल पार्क आपके आसाम। प्लस आसाम ने क्या किया है कि 2021 से जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। आसाम ने क्या किया है कि जिसके 2021 के बाद से 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, याद रखेंगे इस चीज को। तो जल्दी से एक बार क्या कर देंगे, फटाफट से आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, लाइक बड़े कम है दोस्तों। ठीक है, आपकी अपनी वीडियो पर इतने कम लाइक, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फटाफट से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये काइट फेस्टिवल आपके रेलवे एग्जाम में आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, लिख लेंगे ध्यान से। ओके गाइस, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। बात हो रही है हस्तकरघा दिवस की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है गाइस 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को आपका हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ओके, दूसरी चीज अगर आपको यहां से बन जाती है तो यहां से देखो, 21 जून को होता है आपका इंटरनेशनल योगा डे कब होता है आप लोगों को, जो 21 जून को होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, फादर ऑफ योगा कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ योगा, एक बार जल्दी से फटाफट, आज हमने 1000 के पार जाना है और आप लेकर के जाओगे, तो 21 जून को जो होता है आप लोगों का इंटरनेशनल योगा डे होता है, फादर ऑफ योगा कौन कहलाते हैं जल्दी से मुझे बता देंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, 7 अक्टूबर को गाइज क्या होता है, कॉटन डे होता है आप लोगों का, वर्ल्ड कॉटन डे। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ल्ड कॉटन डे पहली बार कब मनाया गया, वर्ल्ड कॉटन डे पहली बार आपका कहां पर बना, मतलब कब मनाया गया, तो गाइस 7 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड कॉटन डे पहली बार आप लोगों का मनाया गया है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। दूसरा, वर्ल्ड कॉटन डे को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो WTO ने किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है गाइस, जिनेवा में है, याद रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बहुत अच्छे, रामदेव बाबा नहीं है, पतंजलि भी नहीं है, रामदेव बाबा भी नहीं है। तो देखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि फादर ऑफ योगा, तो फादर ऑफ योगा हमेशा लॉर्ड शिवा कहलाते हैं, भगवान शिव जो है वो फादर ऑफ योगा कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, आगे चलते हैं। एक बार बहुत ही पुराने पेपर में पूछा गया था, तो मैंने सोचा जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिएगा, भवानी सागर डैम, अगर बात पूछा जाएगा भवानी सागर बांध किस राज्य में भवानी नदी पर बनाया गया है, तो भवानी सागर डैम अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में भवानी नदी पर बनाया गया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात, तो यहां पर जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा गाइस, तमिलनाडु यहां पर आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से समझेंगे,
तमिलनाडु में क्या है, भवानी सागर डैम है, भवानी नदी के ऊपर है। ओके, अब देखिएगा दो तीन चीजें जो तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले हैं, डिंडीगुल ताले हैं आपके कहां के, तमिलनाडु के, और कडांगी साड़ी हैं, उनको भी जीआई टैग मिला है। कडांगी साड़ी को और आपका जो डिंडीगुल लोक्स हैं वो तमिलनाडु के हैं, और तमिलनाडु से उनको क्या मिला हुआ है गाइस, उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। दोस्तों देखो, दो जीआई टैग डेफिनेटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर किसी के एग्जाम में होंगे। आज का जो सेशन है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है, वो मे बी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिल जाए और मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो उस चीज को आप लोगों ने क्या रखना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा भवानी सागर डैम, बांध, रिवर, तमिलनाडु, डिंडीगुल ताले, और डिंडीगुल हमारी क्या है, जो हमारी क्या कहते हैं, कदांगी साड़ी, कहां से, तमिलनाडु से। तो वन बाय वन हम इसको याद रखते चलेंगे, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं, तो देखिएगा आपका अगर पूछा जाएगा यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है आपके 75 है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछने लगे यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो यूपी में विधानसभा की 403 सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, सर 80 हैं, सबसे ज्यादा हैं। और यूपी में जो आपका राज्यसभा है उसकी कितनी सीटें हैं, तो गाइज आपकी 31 सीटें, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, आपका जो सबसे बड़ा जो आपका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, राज्यसभा की सीट 31 है, और लोकसभा की सीट जो है आप लोगों की 80 है, और 403 जो है गाइज आपकी विधानसभा की सीटें हैं। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जो है आपका यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जहां पर दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। नरोरा आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ये बात भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। राजस्थान में क्या है, रावतभाटा है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में क्या है, कुदानकुलम है। और अगर आपसे पूछा जाएगा गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो गाइज वो गुजरात में है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, सो कोई डाउट यहां पर हो तो एक बार बता देंगे। बिल्कुल, श्रेया सिंह कह रही सर लखीमपुर, सोनी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। अब मैं बनारस से हूं, देखिएगा सब लोग बता रहे, तो सब लोग बताएंगे कहां से हैं, ठीक है। मैं भी यूपी से हूं, आपके सर गौरव चौधरी सर कहां से हैं, वो भी बिजनौर से हैं, यूपी से हैं, तो आप लोग भी बता देंगे बिल्कुल कहां से, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिल्कुल, अगर मैं बात करें, आप बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट, तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह का नाम बताएंगे, वहां से रिलेट करके मैं करंट अफेयर आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को ना ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। अगर बात करूं, देखिएगा डफ डांस, तो डफ नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य में से एक है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, या फिर गाइज उत्तर प्रदेश में है, तो जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे, आंसर बता देंगे। तो देखिएगा आपका यहां पर जो बनेगा वो बनेगा हरियाणा, ठीक है। तो देखिएगा डफ जो है आप लोगों का कहां का है, हरियाणा का है, सबसे पहली बात, यह बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, हरियाणा में क्या ओपन होगा, आप लोगों का एम्स ओपन होगा हरियाणा में, तो एक एम्स आपका रेवाड़ी में ओपन हो रहा है, तो आपका कहां पर ओपन होगा गाइज, हरियाणा में। दूसरा, हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जो इनकी हाई कोर्ट है उसने ना अपना एक वर्चुअल कोर्ट रूम खोला है, तो वर्चुअल कोर्ट रूम कहां पर खोला है गाइज, फरीदाबाद में। तो आपका जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है, तो उन्होंने अपना एक वर्चुअल कोर्ट रूम कहां पर खोला है गाइस, फरीदाबाद, 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 ठीक है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, तो आप देखिएगा सारनाथ से है, हरियाणा से, हरियाणा, 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 बिल्कुल। तो हरदोई यूपी, बस्ती यूपी, मैं भी लखनऊ, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो सभी लोग यहां पर जो कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, हरियाणा आ जाएगा। बात कर लेते हैं बिहार की गाइस, ठीक है। तो देखिएगा बिहार में दो तीन चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। एक तो बिहार में क्या हो चुका है, आप लोगों का जो भी 15 साल पुराना वाहन है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो पहली बात याद रखेंगे 15 साल पुराना। तीसरी बात, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तो लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के 11वीं बार जो है आपके क्या चुने गए हैं, फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन अध्यक्ष बने हैं अपनी उसकी, लालू प्रसाद यादव पार्टी के, तो वो खुद ही बने हैं, और रांची जेल में हालांकि वो बंद चल रहे हैं अभी। दूसरा,
बिहार की जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, देखो ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूं, जो बिहार का सचिवालय है, तो वहां पे जीन्स और टी शर्ट को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया उनके एम्प्लॉय के लिए। ये बात भी आप लोग क्या रखेंगे गाइज, याद रखेंगे। तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, जो बिहार, अब बिहार से हमारे कौन कौन से एक तरीके से सांसद है जो मंत्री बने हुए हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रविशंकर प्रसाद की। तो रविशंकर प्रसाद जो है गाइज, अगर आपसे पूछा जाएगा, कानून मंत्री है, जो कि आपके पटना से सांसद हैं। कहां से? पटना से सांसद हैं। तीसरा, आप सभी ने नाम सुना होगा गिरिराज सिंह का। तो गिरिराज जो है एनिमल हस्बेंड्री, और जो फिशरी वाला आपका डिपार्टमेंट है वो गिरिराज सिंह के पास है, और वो कहां से? बेगूसराय से। बेगूसराय से सांसद हैं आपके कौन? गिरिराज सिंह। तीसरी चीज आपसे पूछा जाएगा रामविलास पासवान, तो वो बिहार राज्यसभा से सांसद हैं, और वो आपके क्या है? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, मतलब आपके जो खाद्य मामलों के मंत्रालय है वो किसके पास है? रामविलास पासवान के पास है। तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, लालू आलू खा लो, क्या बात है, बिल्कुल शंकर शर्मा जी, अच्छा जी क्या बात है, बिल्कुल। देखो राइम तो ऐसे ही बना देते हैं, मतलब जबरदस्त, लालू आलू खा लो, ओके, अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल रवि ठीक है। वीडियो देखो, जिनका वीडियो नहीं चल रहा होगा उनको क्या है कि मे बी उनके नेटवर्क में दिक्कत आ रही हो, तो एक बार रिफ्रेश करके फिर से आ जाएं। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और शेयर और लाइक जरूर करते रहें। स्पीड मैंने अभी कमेंट आते सर थोड़ा स्पीड, तो थोड़ा स्पीड पे मैंने काबू पा लिया है, ध्यान रखेंगे ओके। देखिएगा, भारत के किस राज्य में फोंटेनस फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्यान से समझेंगे, भारत के किस राज्य में फोंटेनस फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका या फिर गोवा। तो यहां पर आंसर गाइज आप लोगों का आ जाएगा गोवा, गोवा, गोवा। तो फोंटेनस देखिएगा कैसे याद रखेंगे, फोन, फोन को कर लोगे फन, तो जनता फन करने कहां जाती है? फन करने गया, फन करने गया, कहां गया? गोवा गया। तो फोंटेनस ठीक है, फोंटेनस ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे फन करने गया कहां पर? गोवा, गोवा, गोवा। तो इसको याद रखेंगे, ये कहां पे मनाया जाता है आप लोगों का गाइस? गोवा में मनाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल भी मेरा एक 6 बजे सुबह सेशन होगा, और सुबह का 6 बजे का सेशन कल वाला क्या होगा देखिएगा, एक मैं वीकली कराता हूं, तो आज वाला वीकली है, लेकिन कल जो सुबह 6 बजे होगा वहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से भी मिलेगा और आज वाले सेशन से भी मिलेगा। तो कल सुबह भी 6 बजे आप लोगों का सेशन है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे ओके गाइज। अब देखिएगा पुडुचेरी, तो पुडुचेरी भी एक आपका यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी कैसी है पुडुचेरी आपकी? जैसे दिल्ली है, दिल्ली में भी विधानसभा होती है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? किरण वेदी है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं केरला की, तो भारत का पहला स्पेस पार्क कहां पर ओपन हो रहा है? तो गाइज भारत का पहला स्पेस पार्क ओपन हो रहा है केरला, केरला, केरला। दूसरा अगर पूछा जाएगा बायनड रोबस्टा कॉफी को जो जीआई टैग मिला है वो कहां से मिला है? तो बायनड का रोबस्टा कॉफी का जो आपको जीआई टैग मिला है वो कहां से मिला है? केरल से मिला है, और बायनड जो है केरल में है। और आपका अगर मैं बात करूं तो बायनड से जो सांसद है वो कौन है? राहुल गांधी सांसद है बायनड से, ध्यान रखेंगे। अच्छा पुडुचेरी के मुझे सीएम का नाम एक बार बता दें आप लोग तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे यहां पर। दूसरी बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के गवर्नर का नाम आप सभी लोगों को पता है बाजू भाई बाला। याद करने के लिए मैं बताता हूं, कर, कर का मतलब होता है हाथ, और बाजू का भी मतलब हाथ है, तो इधर भी हाथ है उधर भी हाथ है, कर्नाटक, तो बाजू भाई बाला ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, गोवा के प्रमोद सावंत थे, और गोवा के जो नवनियुक्त गवर्नर आपके बने हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक साहब। उनसे पहले मृदुला सिन्हा हुआ करती थी, लेकिन अभी जो बने हैं सत्यपाल मलिक बने हैं। उससे पहले सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के थे, उससे पहले सत्यपाल जी बिहार के थे। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो गाइस जिस तरह से पता रिलेट करके चीजें खुद ब खुद याद रह जाती है, तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर, हाफ टारगेट अचीव कर लिया आप लोगों ने अपना, आप लोगों का टारगेट है 1000, आज आप अपनी वीडियो को 1000+ पहुंचाओगे ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, नारायण स्वामी क्या बात है, नेम द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, नेम प्रथमा ग्रामीण बैंक वॉज स्टार्टेड बाय, प्रथम ग्रामीण बैंक जिसका नाम क्या था? अगर मैं बात करूं जो ये प्रथमा आपका ग्रामीण बैंक है इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? तो गाइज देखो दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है आप लोगों का वो आपका जो उसका स्पॉन्सर बैंक था गाइज सिंडिकेट बैंक था। देखिएगा जैसे आपको पता है ग्रामीण बैंक होते हैं, अब ग्रामीण बैंक की जब जब बात आएगी तो नाबार्ड की बात आएगी, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा आप लोगों को। तो जो आपके ग्रामीण
सहकारी बैंक होते हैं, एक उनका स्पॉन्सर बैंक होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के रहने वाले हैं कोई लोग, तो वहां पे एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक होगा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक होगा, तो उसका स्पॉन्सर बैंक गाइस पंजाब नेशनल बैंक है। वैसे ही यूपी है, तो यूपी में आपका एक सर्व यूपी ग्रामीण बैंक है, एक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, लेकिन जो सर्व यूपी ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। ऐसे ही प्रथमा बैंक, तो प्रथमा बैंक सबसे पहला ग्रामीण बैंक था, और उसका अगर आपसे पूछा जाएगा कौन था स्पॉन्सर बैंक, गाइस सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखेंगे कैसे, मानसी, मानसी को आप याद रखेंगे, और मानसी में कैसे आ जाएगा एस वाई, तो सिंडिकेट बैंक हो गया, और मान से बना मणिपाल। मणिपाल किसी बैंक का हेडक्वार्टर नहीं है, बस किसका है, सिंडिकेट बैंक का है, याद रखेंगे। दूसरी चीज मैंने यहां पे जिक्र किया गाइज नाबार्ड का, तो नाबार्ड बेसिकली क्या है, देखिएगा जो आरआरबी है तो बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कहते हैं लोन वगैरह देते रहते हैं, जो केसीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है, तो उसपे भी लोन वगैरह कौन आरआरबी से अप्रूवल होता है वहां पे, ठीक है। हालांकि दूसरे बैंक भी देते हैं, लेकिन विशेषतर अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करने के लिए आपका क्या था आरआरबी थे, तो इनको जो अगर मैं बात करूं जितनी भी एग्रीकल्चर है या रूरल डेवलपमेंट है उनके लिए जो पॉलिसी बनाता है ना गाइस नाबार्ड बनाता है, तो आपको नाबार्ड से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पहली फुल बात, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा कब बना था, तो सर ये बना था 12 जुलाई 1982 को, तो 12 जुलाई 1982 को आपका क्या बना था, नाबार्ड बना था, यह बात याद रख लेंगे। दूसरी चीज कौन है इसके चेयरपर्सन, तो हर्ष कुमार, तो हर्ष कुमार भनावला जो है इसके चेयरपर्सन है, और मुंबई में गाइस क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। बात कर लेते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका कब बना था गाइस, देखो दो तीन चीजें यहां से भी पूछी जाएंगी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई आपका बना था। आरबीआई किस एक्ट के अंदर बना था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बना था, ध्यान रखेंगे। आरबीआई जो है आपका नेशनलाइज में कब हुआ था, तो गाइज अगर पूछा जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो था आप लोगों का आरबीआई रजिस्टर्ड था, यह बात ध्यान रखेंगे। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम, तो ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और सीडी देशमुख आरबीआई के जो थे गाइज वो पहले भारतीय गवर्नर थे। कंप्यूटर जी थोड़ा सा एक बार मुझे हटा दिया जाए स्क्रीन से, तो सीडी देशमुख जो थे आपके वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर जब आरबीआई बना था आप लोगों का, तब कहां हुआ करता था, कोलकाता में। क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम आपके एनटीपीसी एग्जाम में कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया, तो 1937 में, 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से उठा करके कहां पे शिफ्ट कर दिया, मुंबई शिफ्ट कर दिया। ओके गाइज, दूसरी चीज आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शक्तिकांता दास। आरबीआई के गवर्नर का मैं बात करूं तो सभी नोट पर उनके साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर उनके साइन नहीं होते, 1 रुपए के नोट पर हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर पूछा जाएगा जो आपके गवर्नर है, या पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी, तो 1 रुपए के नोट पर हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के ही साइन मिलेंगे। इनसे पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, उनसे पहले रघुराम गोविंद राजन, थ्री पिलर्स नाम की एक उनकी बुक भी आई है रघुराम गोविंद राजन की, उनसे पहले आपके दू सुब्बारा, बाईवी रेड्डी, इस तरह से आपका आरबीआई का जो था सिलसिला चलता गया। और बेसिकली क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है, या मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो गाइज ये सारे काम आरबीआई करता है। लेकिन बात जब जब आएगी कैपिटल मार्केट की, ध्यान से समझेंगे, बात जब जब आएगी कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। सेबी, सेबी की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों की, जल्दी से मुझे बता देंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और कब बना था, 12 अप्रैल 1992 को इसको स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था, तो इसलिए हमेशा 12 अप्रैल 1992 लिखते हैं, 89 नहीं लिखते। ओके, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अजय त्यागी,
तो अजय त्यागी क्या है, इसके चेयरपर्सन है। जब भी आप लोग देखो सेबी को क्यों पूछा जाता है, जब भी दो कंपनियां आपस में मर्ज हो रही होती हैं या कोई कंपनी किसी कंपनी का स्टेक क्या कहते हैं परचेज कर लेती है, तो वहां पे सेबी की जो अगर मैं बात बोलूं तो सेबी का हां करना बहुत जरूरी है। मतलब सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपस में दो कंपनियों को मर्ज किया जा सकता है या किसी के स्टेक को परचेज किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आप इसी तरह से लगे रहिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को यहां से क्वेश्चन गाइस मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को, हर सेशन से क्वेश्चन मिलेगा। ये भी मैं बता दूं, कई सारे पेपर होंगे ग्रुप डी के, आरआरबी एनटीपीसी के, तो हर किसी को आपको पेपर मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं आपका बात कर लूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार अभी क्या बने हैं साथ के साथ आईबीए, आपका जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उसके चेयरपर्सन भी रजनीश कुमार बने। उनसे पहले सुनील मेहता थे जो पंजाब नेशनल बैंक के हुआ करते थे, लेकिन अभी एसबीआई के जो हैं आपके कौन बने हैं आपके। और गाइस देखिएगा, कोई भी कम नहीं होता, अरुंधति भट्टाचार्य का एग्जांपल देता हूं, एज ए पीओ बैंक में लगी थी, एक पीओ की तरह बैंक में लगी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मेहनत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी के पद तक वो पहुंची हैं। तो मेहनत करिएगा, बहुत आगे तक आप निकल सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, एसबीआई आपका 1 अप्रैल 1951 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, तीन बैंकों को मिला करके, और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। आगे चलते फटाफट से, बिल्कुल बात करें कुंदेरमुख नेशनल पार्क। तो गाइस कुंदेरमुख नेशनल पार्क आपका कहां पर है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना पिछला सारा डेटा आरबीआई आरबीआई वाला, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको वहां से, ठीक है। कुंदेरमुख नेशनल पार्क आपका कहां पर है जल्दी से मुझे बता देंगे, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, या फिर तेलंगाना में है। तो गाइस कुंदेरमुख जो नेशनल पार्क है वो आपका क्या है, कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे, तो देखिएगा, देखो ध्यान से समझेंगे, मुख बना लिया कैसा, नाटक करने वाला, ठीक है। आप करते नहीं कि कई बार बच्चे नाटक करने वाला मुंह बनाते हैं, स्कूल चला जा, मैं ना जा रहा आज, ठीक है, आज मेरा मन नहीं है। तो नाटक जब करा, मुख नाटक, मुख नाटक, तो कुंदेरमुख नाटक नेशनल पार्क गाइस कहां पर है, कर्नाटक में है, याद रखेंगे। बाकी कर्नाटक में क्या है, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तो कर्नाटक में है, तो के ए से ही याद रख लेंगे, के ए कर्नाटक का साइन होता है, तो के ए केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहां पर है, कर्नाटक में है। बात कर रहे थे तमिलनाडु की, ओके, अब तमिलनाडु की हम बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में क्या है गाइज, मुरुगन टेम्पल, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुरुगन टेम्पल, तो मुरुगन टेम्पल जो है आप लोगों का वो कहां पर है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे इस चीज को भी। बात करते हैं हम किसकी, आंध्र प्रदेश की, हमारे देश की 25वीं हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में खोली गई है, और अमरावती कृष्णा नदी के किनारे पर बसा है, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना 2020 में ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा, मतलब 2020 ने तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। 2 जून 2014 को आपका क्या बना था, तेलंगाना बना था। मैं कहता हूं रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, ठीक है, अगर आपको मिलते हैं कहीं से तो क्या होगा आप लोगों को, डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे पूछे जाएंगे, जर्नल अवेयरनेस, ओके गाइस याद रखेंगे। बात कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, अगर बात करें पुष्पेंद्र जी, सब होगा, सारा होगा इसके अंदर, ये सारा कुछ बिल्कुल, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, सिरसी सुपारी और अरेबिका कॉफी कर्नाटका, बहुत अच्छे, जैसा कि मैं आपको हर सैटरडे को वीकली कराता हूं, तो वो वीकली मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे आपके आज वाले भी हैं, को लास्ट में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों के लिए गुलाबी कोच शुरू किए हैं, इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों के लिए नए गुलाबी कोच शुरू किए हैं, तो गाइस देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, तो नॉर्थ ईस्ट आपका जो फ्रंटियर रेलवे जोन है उन्होंने क्या किए हैं, गुलाबी कोच को शुरू किया है, ध्यान रखेंगे, महिलाओं के लिए। अच्छा, गुलाबी कोच तो इन्होंने शुरू कर दिए, लेकिन बसों के लिए पिंक कार्ड किसने दिया, तो गाइस बसों के लिए पिंक कार्ड दिल्ली सरकार ने दिया है, कि वहां की डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए क्या है, फ्री कर दी गई है। अच्छा, दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा, सभी ने नाम सुना है विशाखापट्टनम का, नाम सुना है विशाखापट्टनम का, तो गाइस विशाखापट्टनम में क्या बना है, चिल्ड्रन फन जोन,
तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा चिल्ड्रन फन जोन आपका कहां पर बना है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर बना है, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, ईट राइट इंडिया, अगर मैं बात करूं ईट राइट, ओके, तो ईट राइट स्टेशन में कौन से स्टेशन को शामिल किया गया है सबसे पहले, तो मुंबई सेंट्रल को। गाइज ईट राइट में सबसे पहले किसको शामिल किया गया, मुंबई को, याद रखेंगे सारी चीजों को। अच्छा कौन से रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान ने 150वीं उसकी एनिवर्सरी होने पर, 150 साल पूरे होने पर डाक टिकट एक जारी किया था, तो शाहरुख खान ने कौन से रेलवे स्टेशन पर 150 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया था, यह मुझे बता देंगे। अच्छा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम एक बार पढ़ लेते हैं, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, वीके यादव है गाइस, कौन है, वीके यादव, ओके ध्यान रखेंगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे इंजीनियर एमिनेंट पुरस्कार किसको मिला, तो इंजीनियर एमिनेंट पुरस्कार जो आप लोगों का मिला वो वीके यादव को मिला, और 15 सितंबर को दिया गया था क्योंकि 15 सितंबर को इंजीनियर डे होता है आप लोगों का, ध्यान रखेंगे। अच्छा गाइस अब समझेंगे एक चीज और आप लोग, अगर आपसे कोई पूछने लगे ऑपरेशन नंबर प्लेट किसने चलाया था, ऑपरेशन नंबर प्लेट, तो ऑपरेशन नंबर प्लेट जो गाइज आप लोगों का चलाया था वो आप लोगों का चलाया था आरपीएफ ने, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने, तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स जो है आप लोगों का वो किसने चलाया था, ऑपरेशन नंबर प्लेट, जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती है रेलवे परिसर के इधर उधर उन सभी को क्या करने के लिए कि कोई एक आपकी लावारिस गाड़ी तो नहीं खड़ी, कोई लावारिस व्हीकल तो नहीं खड़ा, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। तो वीके यादव बहुत अच्छे, तो जल्दी से यार सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे तो कमेंट करेंगे जल्दी से फटाफट से और पूरे जोश के साथ, थोड़ा सा जाग जाओ ठीक है, बाहर निकल आओ, जॉब लेनी है, ठंड नहीं हो रही उतनी ठीक है, बिल्कुल आगे चलेंगे जल्दी से फटाफट से, बहुत अच्छे। तो यहां पर जल्दी से एक बार करेंगे फुल, आप जोश के साथ लग जाइएगा और लाइक तो मतलब ऐसे कम है कि जैसे आपसे बड़ा कोई कंजूस ही नहीं है, सबसे ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप लोग लाइक में ठीक है, लाइक तो देखो बनता है आप लोगों की, अपनी वीडियो है ये, इस बात को भी याद रखना है ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे होता है ना फ्यूल, तो मेरा फ्यूल ये वीडियो ही है, इससे ही ज्यादा मोटिवेट में होऊंगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट, भारत के 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला पुरस्कार किसने जीता है, तो भारत का जो 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गाइस कहां हुआ, गोवा में हुआ था ठीक है, उसमें महिला का पुरस्कार किसने जीता है, तो गाइज आंसर आ जाएगा आप लोगों का उषा जाधव, तो उषा जाधव यहां पे आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसको पढ़ लेंगे, इसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बता रखी हैं, तो ऑलरेडी जो चीजें मैंने आपको बता रखी उनको आप रिवाइज कर लेंगे ओके गाइज। और कहां पर हुए, गोवा में हुए हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस उत्पाद को भारत का पहला जीआई टैग मिला था, कल ही बताया था भूलोगे तो नहीं, तो जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से कि किस उत्पाद को भारत का पहला जीआई टैग मिला। तो गाइस जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस की जिम्मेदारी मेरी है ठीक है, आपकी जो उसकी सवारी सीधे सिलेक्शन तक मैं लेके जाऊंगा डेफिनेटली, बेफिक्र रहिएगा। तो देखो ध्यान से समझेंगे, जीआई टैग बेसिकली क्या है, कोई पर्टिकुलर जगह है, उस पर्टिकुलर जगह का कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो फेमस होती है तो उसको एक जीआई टैग दे देते हैं, ताकि वो क्या बनाए, कानूनी तौर पे भी वो सुरक्षित हो जाए, कोई और उसको यूज ना कर सके ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं रसगुल्ले के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो रसगुल्ला बंगाल 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 बताते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ जो रसगुल्ले का जीआई टैग है वो उड़ीसा को भी मिला हुआ है, याद रखेंगे ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो आपका रसगुल्ला, केवल पूछा जाएगा रसगुल्ला का को जीआई टैग जो मिला हुआ है कहां से, उड़ीसा से, उड़ीसा से, उड़ीसा से, ओके गाइस याद रखेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2003 में, ईयर भी पूछते हैं तो ईयर पूछेंगे तो 2003 बता देंगे, और अभी अगर मैं बात करूं तो 400 से ज्यादा चीजों को जीआई टैग मिल चुके हैं, तो दार्जिलिंग टी, कल का 7 बजे का सेशन देख लेना, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको दार्जिलिंग टी। और अभी हाल ही में जो आपका दार्जिलिंग टी की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी को याद रखेंगे, स्पेशल मेंशन करेंगे दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी को मिला है, याद रखिएगा। जर्नल अवेयरनेस ऐसी नहीं पूछी जाएगी कि उसके चेयरमैन पूछ लिए और उसके चेयरमैन पूछ लिए, गए वो जमाने, कंपिटिशन है, पेपर को घुमा फिरा करके बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। डिंडीगुल ताले कहां के, तो डिंडीगुल ताले सर तमिलनाडु के हैं, अभी तो बताया था आप लोगों ने। अच्छा जीरा फुल चावल मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, कल ही बताया था, तो जीरा फुल चावल कहां के हैं और सिरसी सुपारी कहां की है, जैसे शाही लीची बिहार की है,
शाही लीची कहाँ की है गाइस? बिहार की है। तो जल्दी से मुझे जीरा फुल चावल और सिरसी सुपारी का फटाफट से एक बार बता देंगे ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहे हैं। जीरा फुल चावल जो है वो छत्तीसगढ़ कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के जीरा फुल चावल हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिरसी सुपारी और बता देंगे एक बार। बिल्कुल आगे बात करते हैं, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट पर चल रहे हैं जल्दी से एक बार, देखिएगा। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? करंट अफेयर याद रखने का एकमात्र आप लोगों का क्या है, एकमात्र आप लोगों का करंट अफेयर याद रखने का जो है गाइस, वो है रिवीजन, बार बार रिवीजन। ओके, दूसरी चीज मैं करता हूं, कंधमाल हल्दी, तो जो कंधमाल हल्दी है उसको जीआई टैग कहां से मिला गाइस? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? तो यहां पर आंसर आ जाएगा उड़ीसा, 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 उड़ीसा से कंधमाल हल्दी। ओके गाइस, तो कंधमाल हल्दी कहां से? उड़ीसा। ओके, याद रखेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका क्या होगा? हॉकी वर्ल्ड कप के मैच होंगे, ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप हमारे देश में कब होगा? 2023 में होगा। फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप कहां होगा? तो फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड में होगा। फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर होगा? स्पेन और नीदरलैंड। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टरडेम है, ध्यान रखेंगे, वो 2022 में होगा। मेल का हमारे देश, हमारे प्यारे भारत में होगा। 2023 में मेल होगा, 2022 में फीमेल होगा। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा भारत में। ओके गाइज, कर्नाटक, तो अभी बताया था कर्नाटक कौन करता है? जिसको चप्पल पड़ती है तो नाटक करने बंद हो जाते हैं, कोल्हापुरी चप्पल, फिर से बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, तमिलनाडु में मैंने आपको बताया आप डिंडीगुल ताले, और अगर मैं पंच अमृतम जो प्रसाद है और आपका जो कडांगी साड़ी है, उनके अलावा और तमिलनाडु में किसको जीआई टैग मिला है, जल्दी से बताएंगे। तो गाइस जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, फटाफट से 1000 के पार से नहीं रुकेंगे, ठीक है। कल आप लोगों के लिए, कल के सेशन में इतनी अच्छी चीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, फुल डिस्कशन। कल की पीपीटी पे आज से ही काम करना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है। और कल का सेशन आप देखना, और भी अल्टीमेट होगा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफर, और आपको डेफिनेटली उसमें भी मजा आएगा। आगे बात करते हैं, अल्फांसो आम, आम की बात कर रहे हैं, आम की। तो गाइस ये जो अल्फांसो आम है इसको जीआई टैग कहां से मिला, जल्दी से पढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र से। तो आम जो है आपका कहां से? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके गाइस, याद रखेंगे, देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आम फल ही नहीं महाफल है, तो अल्फांसो आम को कहां से? महाराष्ट्र से मिला हुआ है, याद रख लेंगे जल्दी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जल्दी से बताएंगे, चुनार वाले बताएंगे, जो लोग हमारे चुनार से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से बता देंगे कि चुनार की किस चीज को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो एक बार जल्दी से बता देंगे गाइस, ठीक है। बिल्कुल, इरोड हल्दी तमिलनाडु, बहुत अच्छे यहां पर, ठीक है। गीतिका कह रही है इरोड हल्दी तमिलनाडु से मिला हुआ है, याद रखेंगे इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए, सांगली हल्दी, अब डाउट मत करना आप लोग, एक तो आपकी कंधमाल हल्दी हो गई, एक आपकी सांगली हल्दी हो गई। तो कंधमाल हल्दी जो है वो उड़ीसा चली गई, अब सांगली हल्दी आपकी कहां पर चली गई? तो सांगली हल्दी महाराष्ट्र में चली गई। ओके, सांगली महाराष्ट्र के संग उड़ीसा के पास क्या है? कंधमाल। ओके, उड़ीसा के पास कंधमाल और सांगली जो है गाइस वो महाराष्ट्र के पास चली गई है, याद रखेंगे। चुनार वाले, चुनार बलुआ पत्थर, बहुत अच्छे। तो चुनार उत्तर प्रदेश का बलुआ पत्थर जो है वो आपको जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखेंगे सारी चीजों को। आगे बात करते हैं, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, किसने टॉप किया? तो गाइस सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा, जो ये फोर्ब्स है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कितना आप लोगों को याद है ये भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। तो जल्दी से मुझे बता देंगे, फोर्ब्स की जो आपकी सूची है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फोर्ब्स की जो रियल टाइम सूची है ना गाइज, उसमें जेफ बेजोस ने टॉप किया है, और ये अमेज़न का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अमेज़न के क्या है गाइज, ये अगर आपसे पूछा जाएगा, सीईओ है अमेज़न के, क्या है गाइस ये? सीईओ है। दूसरी चीज यहां पे बता देता हूं, अमेज़न अपना लार्जेस्ट कैंपस अमेज़न ने कहां पे खोला है? सर, हैदराबाद में खोला है। कहां पर खोला है? हैदराबाद में। अमेज़न ने लार्जेस्ट कैंपस कहां पे खोला है? हैदराबाद में खोला है। प्लस हैदराबाद में क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे, हैदराबाद में स्पेस म्यूजियम,
अगर आपसे कोई पूछेगा भारत का पहला स्पेस म्यूजियम कहां पे बनना जा रहा है, तो आप बोलोगे हैदराबाद, 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 सारी चीजें याद रखेंगे। मुकेश अंबानी जो भारतीयों की लिस्ट है, तो भारतीयों की लिस्ट में तो मुकेश अंबानी नंबर वन बने हुए हैं 12 सालों से, लेकिन इसमें कौन से नंबर पर है? 9th नंबर पर है गाइज, याद रखेंगे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ है, जैसा कि सब लोगों को पता है। और बिल गेट्स जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, जिन्होंने चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड पायल जांगीड़ को दिया था। नरेंद्र मोदी जी वाला सबको पता है, लेकिन पायल जांगीड़ का थोड़ा सा याद रखिएगा। 17 साल की पायल जांगीड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, जो आपका क्या कहते हैं एक तरीके से बाल विवाह के लिए इन्होंने लड़ाई की है, बाल विवाह पर रोक के लिए इन्होंने लड़ाई की है। तो आपके जो है, आपके जो क्या है, बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के क्या है, संस्थापक है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एनजीओ है तो वो बिल गेट्स का एनजीओ है, याद रखेंगे गाइस। ओके, क्लियर है? बिल्कुल सीईओ, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल इंडिया के लिए बट एशिया का, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ना नाम सुनेंगे, बहुत अच्छा नाम है, दो देखिएगा, यासुहिरो नाकासोन। यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, तो यासुहिरो नाकासोन। अच्छा, एक बात समझेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे यहां पर, कि अगर मैं बात करूं इटली की, जापान की, म्यांमार की या मालदीव की, तो गाइस ये नाम जो मुझे मिलता जुलता लग रहा है वो जापान से मिलता जुलता लग रहा है। तो जापान के यासुहिरो नाकासोन जो है, उनका हाल ही में निधन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट करेंगे इसको थोड़ा सा, देखिएगा इटली की जब जब बात आती है, बात किसकी आती है? इटली की, इडली की, खाने की बात आ जाती है। और खाना क्या है? FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का, जानते सभी लोग। कई बार हेडक्वार्टर पूछा गया होगा एग्जाम में, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। तो देखिएगा फूड, खाना खाओगे खून बनेगा, खून कहां दौड़ेगा? रोम, रोम में। तो गाइज आपका जो FAO है वो रोम में होगा हेडक्वार्टर। और जल्दी से जो लोग नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझेंगे और इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देंगे। ओके गाइज, दूसरी चीज, जापान के जो पीएम है, जापान के पीएम कौन है? शिंजो अबे। तो शिंजो अबे और नरेंद्र मोदी जी की जो इस बार द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है गाइस, कहां पर? गुवाहाटी में। तो कहां पर आपका? गुवाहाटी में होने जा रही है, याद रखेंगे। ओके, तो जापान के पीएम और हमारे पीएम कहां पे मिलेंगे? गुवाहाटी में मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा, विच कंट्री हैज ओपन्ड 1000 साल पुराना सांवला तेजा सिंह टेम्पल? तो सांवला तेजा सिंह टेम्पल किस कंट्री ने जो खोला है, 1 साल पुराना खोला है अपना, जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और लाइक बड़े कम है, देखो यहां पर ना एक हमारे जो मुनिंदर खुशवाहा जी है वो क्या कह रहे हैं कि बिल गेट्स सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के नहीं दोस्त, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हमारे एक इंडियन है, सत्य नडेला है, वो पहले हुआ करते थे, लेकिन बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नहीं है। ओके गाइस, तो यहां पर देखिएगा कौन सी कंट्री ने 1000 साल पुराना खोला है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यहां पे, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर आ जाएगा गाइस, वो आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ओके, अच्छा पाकिस्तान की बात कर लेता हूं, प्रधानमंत्री इमरान खान पता है, फिर से लताड़ लगाई किसने? FATF ने। FATF ने क्या बोला कि इनको तो अभी ग्रे लिस्ट में रखेंगे, कब तक रखेंगे? फरवरी 2020 तक। तो गाइज FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगातार बना हुआ है। अच्छा FATF वर्किंग क्या करता है, FATF का काम क्या है? तो देखिएगा, जितना भी टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता है कोई, टेरर फंडिंग करता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो दोनों चीजों से सहमत है। टेरर फंडिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? टेरर फंडिंग आतंकवाद को पैसा देना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों को, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका पहले श्रीलंका भी ग्रे लिस्ट में था, लेकिन उसको अभी बाहर कर दिया है। और आपको कहां पर पहुंचा दिया, श्रीलंका को वापस से ले आया है ग्रे लिस्ट से बाहर। और पाकिस्तान पे कब चर्चा करेगा? फरवरी 2020 में। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएंगी, FATF का हेडक्वार्टर। तो गाइज FATF का जो हेडक्वार्टर है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, हेडक्वार्टर कहां पर है FATF का? FATF का हेडक्वार्टर है आप लोगों का पेरिस में, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन कहीं पे नहीं लिखा होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूछा जाएगा FATF वीक, तो FATF जो आपका सप्ताह है
वो कब से कब तक मनाया गया, तो 13 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर आपका जो है एफएटीएफ वीक होता है, याद रखेंगे और इसी बात पे शेयर कर देंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे, तो यहां पर सभी लोग आंसर कर रहे हैं पेरिस पेरिस, इसको ना इंपोर्टेंट मार्क करके चलेंगे, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर इस बार पूछा जाएगा। अब वो जमाने गए जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते थे, इनके हेडक्वार्टर बच्चे बच्चे को पता है। ओके गाइज, अच्छा एक बात और मुझे बताएंगे आप लोग, भूटान की करेंसी क्या है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू, करेंसी मुझे बता दें भूटान की जल्दी से। और नेपाल की हम बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। नेपाल के साथ भारत की एक्सरसाइज चल रही है सूर्य किरण, और बांग्लादेश के साथ में क्या है गाइस आप लोगों की, बांग्लादेश के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज का नाम क्या है, संप्रीति संप्रीति संप्रीति। ओके गाइज, तो जल्दी से लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, 1000 लाइक और 1000 शेयर। ओके बिल्कुल, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, ये जितने भी संग्रहालय हैं, जितने भी म्यूजियम हैं, इनको याद रखना है आप लोगों ने डेफिनेटली, तो ये काफी इंपोर्टेंट बनते हैं, पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में कपड़ा गैलरी का उद्घाटन किया, किसने किया गाइस, तो देखिएगा सबसे पहले नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है, नई दिल्ली में है पहली बात, ठीक है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह या फिर नितिन जयराम गडकरी, तो यहां पर आंसर आ जाएगा स्मृति ईरानी, टेक्सटाइल मिनिस्टर। ओके, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अच्छा मुझे बताएंगे जल्दी से, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया गाइस कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है गाइस कानपुर को, याद रखेंगे कानपुर चमड़े के लिए वैसे भी फेमस है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों की बात करें कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री आपकी कहां की है, ईस्ट में अगर बात करें कानपुर के अंदर, ठीक है। तो आपका सेम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहां, अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी सबसे ज्यादा कॉटन की आपकी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में अगर मैं देखूं तो। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कई बार क्वेश्चन बना है आप लोगों से, पूछा भी जाता है कहां पर गाइस, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद को, बहुत अच्छे। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, अमित शाह गृहमंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी नागपुर से सांसद हैं, और राजनाथ सिंह कहां से, लखनऊ से हैं, याद रखेंगे। ओके गाइज, राजनाथ सिंह ने टोटल जो समझौता है हमारा डिफेंस का वो 36 राफेल का है, एक आ गया है बकायदा नींबू मिर्ची लटका करके देके आए थे, और जो बाकी आएंगे 35 आएंगे, कब तक आएंगे, सेप्टेंबर 2022 तक आते रहेंगे, ठीक है। तो राफेल राफेल राफेल, ओके गाइज, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा अब आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ना इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाने वाला एग्जाम में, क्या है अगर देखिएगा, पलानी डंडायुत स्वामी मंदिर, देखो ध्यान से समझेंगे, पलानी डंडायुत स्वामी मंदिर के पंचमृतम को भौगोलिक पहचान टैग दिया गया है, दिया गया भाई, यह किस राज्य में स्थित है, तो गाइज आप लोगों का जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही लिया था, तमिलनाडु, मुरुगन टेंपल, मुरुगन टेंपल हम इसको बोल सकते हैं, तो पंच अमृतम को, मुरुगन टेंपल के पंच अमृतम को, जो आपका तुलसी शहद घी दूध दही से मिलकर के पंच अमृत बन रहा है, उसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट अगर आपको हो यहां पर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, डाउट बिल्कुल मत लेना। तमिलनाडु के गवर्नर एक बार बता दूंगा फिर से, बनवारीलाल पुरोहित हैं। केरल के जो गवर्नर है वो कौन है आप लोगों के, केरल के गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। इससे पहले केरल के गवर्नर कौन हुआ करते थे, पी सातासिवम। पी सातासिवम क्या थे, पी सातासिवम हमारे 40वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बाद एलएम आरएम लोधा बने थे आप लोगों के, राजेंद्र मल लोधा, फिर एच एल दत्तू बने थे, फिर आप लोगों के टी एस ठाकुर बने, फिर आपके जगदीश सिंह खेर बने, उसके बाद आपके दीपक मिश्रा बने, फिर रंजन गोगोई बने, और अभी कौन है, शरद अरविंद बोबड़े साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ओके, आंध्र प्रदेश में हम डिस्कस कर चुके हैं, तेलंगाना हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बात करते हैं। किसने नई दिल्ली, देखो ध्यान से समझेंगे, में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देशभक्ति गीत वतन जारी किया है, तो दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं वतन से रिलेटेड। जो वतन सॉन्ग है आप लोगों का कौन सा चैनल है, डीडी दूरदर्शन, ठीक है, सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंस पर दूरदर्शन पर। किसने किया था आप लोगों का, प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, और ये वतन गाया किसने था, किसके द्वारा था गाइस, ये जावेद अली के द्वारा,
तो आंसर आ जाएगा जावेद अली, जावेद अली, जावेद अली और आपके प्रकाश जावड़ेकर और दूरदर्शन, ये चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको हो तो बता देंगे, ओके। तो यहां तक कोई डाउट नहीं, एक बार जल्दी से, फिर कंजूसी करने लग गए तो लाइक तो कर दो एक बार जल्दी से, लाइक और शेयर कर दें फटाफट से, एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, बहुत अच्छा है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी, तो भारतीय विज्ञान जो आपकी अगर बात करूं विज्ञान अकेडमी की पहली जो महिला अध्यक्ष होंगी उनका नाम है चंद्रिमा शाह, चंद्रिमा शाह, चंद्रिमा शाह। कोई डाउट अगर आपको हो तो यहां से बता देंगे। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है आपकी आज पूरी 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और आपकी हर सैटरडे को 2 घंटे की क्लास होती है, और अगर साथ में मैं बात करूं तो जितना भी पूरे वीक का समराइज हो जाता है यहां पे आपका रिवाइज हो जाता है, नए करंट अफेयर के साथ पुराना भी, इसलिए 2 घंटे को जोड़ दिया जाता है। और संडे हमेशा स्पेशल सेशन होता है, उसमें स्पेशल क्वेश्चन कराए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ओके जी। सो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कहां पर, IMF में। कोई डाउट अगर आपका हो तो यहां पे बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट से, एक बार जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेशनल साइंस डे कब आता है आप लोगों का, नेशनल साइंस डे जो है हमारा वो कब आता है आप लोगों का, तो नेशनल साइंस डे जो है हमारा ठीक है गाइस, तो यहां पर जो थी आप लोगों की, देखो ध्यान से सुनेंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल, ओके थोड़ा स्लो पढ़ा देता हूं, गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की है, गीता गोपीनाथ IMF की है, और अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रिमा शाह तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखेंगे। तो जल्दी से एक बार फटाफट से आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिएगा यहां पर किसने उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, के 2 सालों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे, DV सदानंद गौड़ा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, यहां पर जल्दी से आंसर कर देंगे। तो देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल विनोद कुमार, कुछ नहीं हुआ, पानी पीने लगा था। तो देखिएगा यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सबसे पहले कौन से नंबर के हैं, सर 13वें नंबर के हैं, याद रखेंगे। दूसरा अगर आपसे कोई पूछा जाएगा यहां पर देखो, तो किसने किया था गाइस, अगर बात करें अमित शाह ने किया था जो होम मिनिस्टर है। डीवी सदानंद गौड़ा का मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये हमारे रसायन की बात कर रहा हूं, केमिकल एंड उर्वरक, ठीक है। तो जो उर्वरक होता है फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, और कहां से है ये, बेंगलुरु नॉर्थ से है, ओके गाइस। दूसरी चीज यहां पर सुन लीजिएगा जो इंपोर्टेंट बनती है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, सब लोगों को पता है। तीसरी चीज जो यहां से गाइस इंपोर्टेंट आप लोगों की बन जाती है वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी है गाइस वो है आप लोगों की 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ये बात याद रखेंगे। दूसरी चीज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वेंकैया नायडू है वो कौन से नंबर के हैं, तो गाइस वो 13वें नंबर के हैं। राज्यसभा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना है आप लोगों ने, पार्लियामेंट का नाम सुना है, हाँ जी सर सुना है। पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, सर पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, एक हमारे राष्ट्रपति है, एक हमारे देखो राष्ट्रपति हो गए, एक हमारा राज्यसभा और एक हमारा लोकसभा। लोकसभा निम्न हाउस है, राज्यसभा उच्च हाउस है। उच्च सदन क्या है, राज्यसभा, निम्न सदन क्या है, लोकसभा, और प्रेसिडेंट इसमें सर्वोच्च है, ध्यान रखेंगे। तो 3 पार्ट होते हैं, कभी 2 पार्ट मत लगाना, 3 पूछे जाते हैं, जो हमारी संसद है उसके कितने अंग हैं, तो गाइस हमारी संसद के जो कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, ओके। अच्छा एक बात और सुनेंगे ध्यान से, बात आती है संसद की, तो जो आपकी जापान की संसद है उसको क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन बना है आप लोगों का, जापान की संसद को क्या बोलते हैं, तो गाइस जापान, पान कब खाता है इंसान, डाइट के बाद में, तो जापान की संसद को बोलते हैं डाइट, और रशिया की संसद को बोलते हैं डूमा, और यूएससी की संसद को बोलते हैं कांग्रेस। इसी तरह हर कंट्री की संसद में आपको बता दूंगा कि निसट किसकी संसद है, डाइट किसकी संसद है, डूमा किसकी संसद है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी 3 हम याद रखेंगे, कांग्रेस यूएसए, डाइट जापान, और डूमा जो है आप लोगों की रशिया की है, क्वेश्चन बनेगा, ओके गाइस। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, देखिएगा आगे अभी समझिएगा,
कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो जैव ईंधन है हमारा, बायोफ्यूल की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इको फ्रेंडली फ्यूल है हमारा, तो उस पर अगर आपसे कोई पूछे कब मनाया जाता है बायोफ्यूल, कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बायोफ्यूल, तो यही स्पेलिंग होती है बायोफ्यूल की, जैव ईंधन की। जब जैव ईंधन की स्पेलिंग ये है, तो देखो बायो में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो सर तारीख तो 10 होगी, बस अगस्त मुझे ध्यान रखना है, 10 अगस्त को मेरा बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। और कौन सा राज्य सबसे पहला बना है यहां पर, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला देश। अच्छा बताइएगा, पहला जो मैं आपको बोलूं आप लोगों से, डायनासोर पार्क कहां पर है, भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है वो गाइस कहां पर है, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। और यहां पर जो है हमारा राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं, जनसेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की, जनसेवा पोर्टल की सबसे पहले शुरुआत राजस्थान ने की। तंबाकू फ्री स्टेट अभी आपका राजस्थान थोड़े दिन पहले बना है। और रेस आपका उच्च शिक्षा के लिए शुरू किया गया कहां पर गाइस, राजस्थान में। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, यूजीसी, यूजीसी का नाम सुना है, जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों देखो ध्यान से समझिएगा, जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो यूजीसी का नाम आएगा। और यूजीसी क्या है हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एक का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है, सब लोगों को पता है। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन है इसके कौन, डीपी सिंह इसके चेयरपर्सन है, इस बात को क्या रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ओके गाइज, और बात किसकी आ जाएगी, हमेशा सीबीएसई की बात भी होगी, तो सीबीएसई की बात भी कई बार पूछी जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका है गाइज, उसका नई दिल्ली में ही है, लेकिन कौन, अनीता करवाल। ओके, याद रखेंगे इस चीज को। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने भी क्या अडॉप्ट किया है, किसको, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अपने स्टेट में। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत अच्छे। डायनासोर पार्क गुजरात, बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट, डायनासोर पार्क जो है आपके गुजरात। अच्छा एक बार ये तो बताओगे आप लोग, कैसा लग रहा है सेशन, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कैसा लग रहा है सेशन, पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, फास्ट तो नहीं जा रहा, बताएंगे एक बार जल्दी से। हां जी मनोज यादव, क्योंकि देखो एक्चुअल में इसमें क्या है, ये सितंबर अक्टूबर की ही है, नवंबर की भी है, बेफिक्र रहिएगा। इसमें क्या है कि स्टूडेंट ने बोला हुआ है क्या कि सर 2019 की पूरी करंट अफेयर कराइएगा, तो डेली तो कराता ही हूं मैं आप लोगों को, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें पूरे 2019 की मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से अनीता, ठीक है। तो यहां पर चीजें पसंद आ रही है आप लोगों को, शेयर करोगे 10-10 बंदों को अपना ये सेशन, क्लास के बाद शेयर करोगे 10-10 बंदों को, कम से कम 10-10 बंदों को बताओगे, बिल्कुल। हाँ एक ही है 2 घंटे का, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मधु ऐप भी बहुत अच्छे, मधु ऐप भी आपका उड़ीसा में आया है। ओके ओके ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तो तबियत खराब में भी मामला चलता रहेगा। ओके, आगे चलते बात करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट से। ओके बिल्कुल, खत्म नहीं कर रहा, बस बीच में ऐसे ही आप लोगों से सोचा एक बार क्या कहते हैं बात कर ली जाए। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है उर्दू वर्ड, मुताफिक या मुतालिक होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, फिर से उसी स्पीड पे बढ़ेंगे, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे गाइज मनाया जाता है 12 अगस्त को, याद रखेंगे 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा पहला हाथी हॉस्पिटल, तो आप क्या लगाओगे, मथुरा। ओके गाइज, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि पहला हाथी स्मारक मेमोरियल कहां पर है, तो यह भी मथुरा, स्मारक भी मथुरा, हॉस्पिटल भी मथुरा। लेकिन अगर पूछा जाएगा रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर है, पहला हाथी का रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर है, तो आप बोलोगे केरला। ओके गाइज, याद रखेंगे इस चीज को। अब बात आते हैं हिरोशिमा, तो हिरोशिमा नागासाकी, एच पहले आता है एन से, तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, नागासाकी 9 अगस्त को। ओके, नागासाकी 9 को, ओके, और आपका हिरोशिमा कितने को, आपका 6 अगस्त को, याद रखेंगे सारी चीजों को। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का ये, और 19 अगस्त को क्या होता है, जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से। डेल स्टेन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से, वह कौन सी कंट्री से थे,
तो गाइज डेल स्टेन थे आपके साउथ अफ्रीका से, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड के थे ब्रेडन मैकुलम, जिन्होंने संन्यास लिया है। इंग्लैंड में इस बार आपका वर्ल्ड कप हुआ था, जीता भी इंग्लैंड है। और ऑस्ट्रेलिया में अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। ऑस्ट्रेलिया के ही एक क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ, वो 7000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे करने वाले, सबसे तेज पूरे करने वाले पहले बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे जल्दी 7000, सबसे कम मैचों में 7000 पूरे किए किसने, स्टीव स्मिथ ने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, याद रखेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। ओके गाइज, आगे बात करते हैं जल्दी से। तो लाइक शेयर बिल्कुल, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अच्छा साउथ अफ्रीका ने इस बार रग्बी वर्ल्ड कप भी जीता है, ध्यान रखेंगे। साउथ अफ्रीका ने इस बार रग्बी वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा कहां पर हुआ था रग्बी वर्ल्ड कप, जापान में हुआ था। किसको हराया साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड को हराया। तो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा के रग्बी वर्ल्ड कप जीता है। रग्बी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, मैं भी काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या काम कर रहा हूं कि जो रग्बी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये जितने भी गेम हो गए उनसे रिलेटेड जो टर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है उन पे मैं काम कर रहा हूं, वो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। ओके आगे बात करूं, ठीक है। ओके कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट जी, ब्रेकफास्ट बनाइएगा, हमारे लिए भी लाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, आगे बात करते हैं। ऑन विच डे ललित कला अकेदमी सेलिब्रेटेड 65th फाउंडेशन डे इन नई दिल्ली। तो कौन से दिन पर ललित कला अकेडमी ने 65वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं सर, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 2 अगस्त, 6 अगस्त। तो आंसर आ जाएगा 2 अगस्त को। 2 अगस्त को ललित कला ने क्या पूछा एकेडमी ने, अपना 65वां फाउंडेशन डे नई दिल्ली में क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। ललित कला एकेडमी को जानेंगे पूरा, आगे पूरा इसका ब्यौरा मैंने दे रखा है, उसको हम आगे जानेंगे थोड़ी देर में। किसने नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत वतन जारी किया। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, प्रकाश जावड़ेकर, हम इसको पढ़ चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जो कि चंदौली यूपी से सांसद हैं, याद रखेंगे कहां से सांसद हैं, चंदौली यूपी से सांसद हैं। ओके गाइज, अगर बात करें अरविंद गणपत सावंत की, तो ये आपके शिवसेना से थे और ये आपके हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया तो रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन ये बनेगा, हाल ही में कौन से मंत्री ने, जो कि हमारे हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग मामलों के मंत्री थे, ने रिजाइन दिया है अपना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अरविंद गणपत सावंत, अरविंद गणपत सावंत। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। वर्ल्ड एलिफेंट डे देखिएगा फिर से आ गया, ये 2-3 क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए। अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल एट नई दिल्ली, तो किसने नई दिल्ली में अल्टीमेट टेबल टेनिस को जीता है गाइस, तो जल्दी से मुझे बता देंगे किसने जीता है। तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, चेन्नई लॉयंस ने। जैसे आईपीएल चलता है क्रिकेट का, वैसे ही आपका अल्टीमेट टेबल टेनिस चलता है, तो उसमें चेन्नई ने जीता है, याद रखेंगे। और किसको हराया है, तो यहां पर जो हराया है गाइस, अगर आपसे पूछा जाएगा तो दिल्ली दबंग को, दबंग दिल्ली को हराया था, ध्यान रखेंगे। ओके गाइस आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। घोटू राम मीना नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के कौन सी कंट्री के लिए, तो जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से। ए ऑप्शन बिल्कुल, अब की बार 1000 पार, ये आप ही करोगे काम, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी से अब की बार 1000 पार जल्दी कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है गाइस, अगर घोटू राम मीना की बात आ जाएगी, तो रिपब्लिक ऑफ कोंगो के घोटू राम मीना को एम्बेसडर बनाया गया है, इस बात को क्या रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है एक एक चीज, तो बल बता दीजिए, सबका रोज का पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी जावेद साहब, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर मुझे जल्दी से घाना की कैपिटल बता देंगे, ठीक है। एक बार ये मैंने आपको कैपिटल बता रखी है, बहुत अच्छे, ठीक है। यहां पर देखिएगा, कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई हैं। तो गाइज यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा, तो पहली महिला भारतीय जो बनी है आप लोगों की, वो विजय लक्ष्मी पंडित, चंद्रिमा शाह, रानी रामपाल, या फिर बात करेंगे ऐश्वर्या पीसे की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपकी, ऐश्वर्या पीसे जो कि बेंगलोर से हैं, रानी रामपाल एथलीट है, ओके। और चंद्रिमा सिन्हा की मैं बात करूंगा, तो इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की बनी है, याद रखेंगे, ओके। ऐश्वर्या पीसे कहां से बिलोंग करती है, बेंगलोर से। बेंगलोर में क्या है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है गाइस, बेंगलुरु में है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ओके बिल्कुल। आगे सबको बताऊंगा मैं पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पीडीएफ का भी मैं आपको पता बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में आने को तैयार हो गया है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताएंगे यहां पर देखिएगा, बीसीसीआई जो है वो क्या हो गया है कि जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, बात कर रहा हूं नेशनल हमारी, वो कब हुआ एक समझिएगा, जो हमारे एक प्लेयर है उनका नाम क्या है, प्लेयर का नाम ओपनिंग प्लेयर है, और ओपनिंग प्लेयर कौन, पृथ्वी शाह, उन्होंने कोई ड्रग्स ले ली थी गलती से, ठीक है, तो उन पर बैन लग गया था, तो उसके बाद से नाडा में शामिल कर दिया गया। अब दो तीन चीजें, बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सौरभ गांगुली बने हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, सीईओ जो है राहुल जोहरी साहब है, याद रखेंगे इन चीजों को। ओके गाइज, आगे बात करते हैं नेक्स्ट से जल्दी से क्वेश्चन से, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि रांची झारखंड में आपकी शुरू की गई है, किसने शुरू की थी गाइस, एम वेंकैया नायडू ने। तो जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है वो क्या है, जिसमें आपके जो किसानों को मान्यता दे देती है सरकार 6000 रुपए का, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये झारखंड स्टेट के लिए है। इसमें जो भारत क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं तो किसान योजना के तहत 6000 रुपए सरकार देती है, 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर, रघुबर दास सीएम, रामनाथ कोविंद हमारे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। झारखंड में इलेक्शन कितने फेज में होंगे गाइज, तो झारखंड में इलेक्शन होंगे गाइज 5 फेज में। ओके, कितने फेज में होंगे गाइस, 5 फेज में होंगे, इस बात को क्या रखना है आप लोगों ने, याद रखना है। कोई डाउट यहां पर हो तो मुझे जल्दी से आप लोग बता देंगे, फटाफट चलते एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, लेकिन अगर नेशनल यूथ डे पूछा जाएगा तो 12 जनवरी आ जाएगा, और 12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी जी का बर्थडे, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। ठीक है, यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा 8 अगस्त को क्या होता है, तो 8 अगस्त को होता है इंटरनेशनल कैट डे, तो इंटरनेशनल कैट डे कब होता है, 8 को होता है, 4 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, 12 अगस्त। ठीक है, यहां पर बात करेंगे तो 12 अगस्त को एलिफेंट डे होता है, इंटरनेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं यहां पर एक बार जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा एक बार जल्दी से। ठीक है, तो किसने उपराष्ट्रपति हो चुका है, ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिएगा यहां पर कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने, ये भी हमारा हो चुका है। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है, वेलेंटिना एलगाम को किस राज्य का ग्रीन राजदूत नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जो आपकी वेलेंटिना एलगाम है इनको किस राज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है गाइस, तो देखो ध्यान से समझेंगे, ये एक 5th क्लास की बच्ची है, इन्होंने ना 5 पेड़ लगाए थे, और वो क्या हुआ था कि जो मणिपुर की कुछ डेवलपमेंट चल रही थी, तो वो पेड़ को जैसे ही वो पेड़ कटे ये रोने लगी, ठीक है, जैसे कोई किसी इंसान को किसी से कोई बिछड़ जाता है, तो इसके चलते क्या कर दिया, जो मणिपुर सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस बच्ची को ब्रांड एंबेसडर बना दिया, किसका, ग्रीन राजदूत बना दिया, किसका, मणिपुर का, याद रखेंगे। तो वेलेंटिना एलगाम अभी 5वीं क्लास में 9 साल की एक लड़की है, ध्यान रखेंगे, मणिपुर का जैसे ही गाइस नाम आएगा, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, याद रखेंगे, और साथ में नाम आएगा एमसी मैरीकॉम का, एमसी मैरीकॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, सर 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है एमसी मैरीकॉम, याद रखेंगे। दूसरी चीज, इस बार वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, तो उलान उदे में आपकी कहां पर, रशिया में हुई थी, जिसमें एमसी मैरीकॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे, लेकिन कौन छाई थी, हमारी मंजू रानी, तो मंजू रानी ने क्या किया था, इस बार पहला ही था उनका डेब्यू था, और उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। ओके गाइस, तो उन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल। मंजू रानी कौन से गेम से रिलेट करती है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। और हमारे जो अमित पंगल हैं, वो भी बॉक्सिंग से हैं, वो मेंस में उन्होंने पहली बार किसी मैन ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, याद रखेंगे इस चीज को। ओके गाइस, आगे बात कर लेते हैं हम मणिपुर, देखो जो एमसी मैरीकॉम है वो बीएसएनएल की भी आपकी क्या है, ब्रांड एंबेसडर है, याद रखेंगे। ओके, मिजोरम के कौन है आप लोगों के सीएम, जल्दी से बताएंगे, तो मिजोरम के जो गाइस सीएम है उनका नाम है पू जो रम थंगा,
तो पूजोरम थंगा जो है वो मिजोरम के सीएम है, याद रखेंगे इस बात को। तीसरा, अगर आपसे कई बार पूछा जाए आसाम, आसाम में 2021 से जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ओके, आसाम को जगदीश की आरती करेंगे, तो आसाम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। ओके, और मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं, जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है? बिल्कुल, पीके पनवर। ओके, बात कर लेते हैं खिलाड़ी कुमार, आज शायद लेट हो गए, दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी खिलाड़ी। ओके, अब दिखाई दिए, पीटी उषा, बहुत अच्छे, गोल्डन गर्ल, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसको पर्यावरण संरक्षण के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गाइस? तो एमएस स्वामीनाथन क्या थे, एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक थे कौन आपके, एमएस स्वामीनाथन, इस बात को याद रखेंगे। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन कहलाते हैं, हमारे जो कुरियन साहब, वर्गीज कुरियन साहब, अमूल दूध के पापा। ओके, ऐसी एमएस स्वामीनाथन ग्रीन आपके कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें तो किसको दिया गया इस बार, अगर बात करें तो केनेथ एम क्वेन, केनेथ एम क्वेन को, ए ऑप्शन को क्या दिया गया, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। ओके गाइस, आगे चलते फटाफट से, सर्वनंदा सोनोवाल, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा, खिलाड़ी जी सुबह से हैं तो बिल्कुल मैं पढ़ नहीं पाऊंगा नाम जल्दी जल्दी में, बिल्कुल बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, देखिएगा इंटरनेशनल कैट डे कब मनाया जाता है, अभी बताया था 8 अगस्त को, बिल्कुल जहां पे डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ रही मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ओके गाइस, 10 अगस्त को बायोफ्यूल है, अगर बात करूं आपका हिरोशिमा 6 को, नागासाकी 9 को। ओके, आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा हासिम अमला साउथ अफ्रीका से हैं, जिन्होंने अभी क्या कर लिया, संन्यास ले लिया क्रिकेट से। साउथ अफ्रीका ने इस बार रग्बी वर्ल्ड कप जीता है, रग्बी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है जल्दी से मुझे बता देंगे। और कहां सो रहे हो आप लोग, एक्टिव हो जाइएगा थोड़ा सा, निकल जाइएगा रजाई से बाहर, कुछ तो ऐसे ना मुंह निकाल के ऐसे देख रहे होंगे रजाई में से, थोड़ा सा मतलब कहीं से हवा ना जाए, ठीक है, तो इस थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, कुछ ने तो बस एक आंख खोली होगी इस तरह से देखने के लिए, तो थोड़ा सा बाहर निकल आओ, पढ़ लो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, आंसर कर दो, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग 600 प्लस लोग आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें आप लोग कम से कम मतलब रिप्लाई ऐसे आना चाहिए सभी लोगों के, खटाखट खटाखट खटाखट, मान लो तो ठंड है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओके, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, जल्दी से, बहुत अच्छे सचिन द्विवेदी जी, ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, हाँ रजाई में ही है, देखो रजाई में ही मिल रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो बायोफ्यूल डे आपका 10 अगस्त को फिर से आ गया, देखो ये बायोफ्यूल डे पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, देखिएगा किस देश में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो देखो ध्यान से समझेंगे, जो फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप होगा, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे साथ के साथ, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तभी बात बनेगी, तो इंडिया में होगा गाइस, कहां पर, इंडिया में। ओके, इंडिया में। ओके, अगर बात कर लेते हैं कतर में, तो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा दोहा में, याद रखेंगे। चाइना के बीजिंग में भी 2022 में क्या होंगे, विंटर ओलंपिक होंगे, याद रखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो गाइस दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी हमारी कौन, सुषमा स्वराज जी, और पहली महिला विदेश मंत्री थी पूरी तरह से, ठीक है, तो पूर्ण रूप से पहली महिला विदेश मंत्री भी सुषमा स्वराज थी, साथ के साथ में जो सुषमा स्वराज थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की विदिशा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा बार रही है वो कौन रही है आप लोगों की, शीला दीक्षित, ध्यान रखेंगे उनका भी निधन हो गया, तो 3 बार शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ओके, अभी बाहर बैठा था खिलाड़ी जी, वापस कर गए, अंदर चले गए। ओके, बात करेंगे, ठीक है, तो बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, खोन, रामलीला, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी वहां पे, कोई डाउट हो तो बता देंगे जल्दी से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा जो टेबल टेनिस है वो किसने जीता था आप लोगों का, चेन्नई लॉयंस ने, वो आप लोगों को पता ही है। 7000 रन टेस्ट तक पहुंचने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं गाइज? तो सबसे तेज क्रिकेटर बने स्टीव स्मिथ, अभी मैंने आप लोगों से नाम लिया था, कौन बने हैं, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कौन से हैं? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, याद रखेंगे। ओके गाइज, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल। ओके, बिल्कुल एनटीपीसी बॉय कह रहे हैं सर जो रजाई में मजा है ना वो कहीं नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो मजा ट्रेन में तो है, ट्रेन में जब बैठोगे, स्टेशन मास्टर बनोगे,
कोई स्टेशन मास्टर बनेगा, कोई गुड्स गार्ड बनेगा, कोई एसएससी सीजीएल में जाएगा, कोई टीचर बनेगा आप में से, तो वो मजा रजाई में नहीं है दोस्त, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो कंप्यूटर जी वापस एक बार लगा दिया जाए। बिल्कुल, तो आपका क्या है, ध्यान से रखिएगा, जो मजा है सरकारी नौकरी में, जो मजा नौकरी में है, वो मजा और कहां, ये भी ध्यान दीजिए। रजाई का मजा थोड़े दिन का है, नौकरी का मजा हमेशा है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है, याद रखेंगे इस चीज को, यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन ने वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे इस चीज को। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आप लोग बताओगे रजाई से बाहर निकल करके, ठीक है, कभी सारे हेडक्वार्टर रजाई में कर रखे हो आप लोगों ने। एससीओ का जो गाइज हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में है, ध्यान रखेंगे। और आपका जो ब्रिक्स का है गाइज, वो हेडक्वार्टर आप लोगों का कहां पर है, संघई में है। एक बात मैं आप लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूं, न्यूयॉर्क, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी जब 7 दिन के लिए यूएसए गए थे, जब उन्होंने हाउडी मोदी इवेंट भी किया था, तो वो संयुक्त राष्ट्र के नेशन भी गए थे, यूनाइटेड नेशन भी गए थे, वहां पर उन्होंने गांधी सोलर पार्क को इनोग्रेट किया था। किसको इनोग्रेट किया था, गांधी सोलर पार्क को। तो गांधी सोलर पार्क को जब इनोग्रेट किया था, वहां पर 50 किलोवाट की क्षमता वाला एक आपका सोलर पावर प्लांट उन्होंने लगाया था। तो गाइज क्वेश्चन बनेगा कि गांधी सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया था, यूनाइटेड नेशन में, किसने इनोग्रेट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी क्षमता क्या थी, कैपेसिटी क्या थी, तो 50 किलोवाट थी। ओके, और अगर बात करूं यूनाइटेड नेशन, एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के क्या है गाइज, सेक्रेटरी जनरल है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल ओके। डब्ल्यू जी क्या कह रहे, ठंड लगी, ठंड नहीं लगेगी डब्ल्यू जी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है, इतना नहीं। ब्रुसल बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, बहुत अच्छे गाइज आप लोग, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। ठीक है, देखिएगा, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहां से किया है, तो गाइज कहां से किया है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो देखिएगा ओडिशा तट से किया है, याद रखेंगे, कौन से तट से किया, ओडिशा तट से। अच्छा, अब ओडिशा कोस्ट का नाम क्या है जल्दी से बता देंगे, बता रखा है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत कौन सी कंट्री के साथ मिलकर के बनाता है, तो इंडिया, और बात कर रहे हैं किसकी, रशिया की। तो ब्रह्मोस में कौन है, इंडिया प्लस रशिया, याद रखेंगे। उड़ीसा तट से उसका उद्घाटन किया है, अभी पृथ्वी 2 का भी किया है, ओके, याद रखेंगे, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। ओके, आगे चलते फटाफट से, बिल्कुल, अच्छा, ठंड के मारे टाइप नहीं हो रहा अर्ता मेहर से, क्या बात है, बिल्कुल चाय पी लो फिर, चाय आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पर अमृता उड़ीसा 50 किलोवाट, बहुत अच्छे अमृता जी, बहुत अच्छे हेमंत, राहुल, राजेंद्र, बहुत अच्छे आप लोग आंसर कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से समझेंगे। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन टू अनेबल द यूनिवर्सिटी टू सेटअप इट्स कैंपस इन द कंट्री, बहुत अच्छे, किस देश के साथ भारत ने विश्वविद्यालय को देश में अपना परिसर स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो यहां पर आंसर आ जाएगा कतर। कतर को क्या किया है, विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक समझौता साइन किया है भारत ने और कतर ने, याद रखेंगे, ठीक है। कतर की कैपिटल जल्दी से मुझे बता देंगे, वर्ल्ड कप होगा, ये बात तो आपको पता ही है। ओके गाइज, आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत अच्छे चांदीपुर चांदीपुर चांदीपुर, बहुत अच्छे, क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच खिलाड़ी कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ना इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ब्रैड गॉबराइट, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध चट्टान पर्वतारोही थे, तो देखिएगा गाइस ये 31 साल के थे, ड्यूरिंग चढ़ाई, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, ये क्या हो गए थे आपके, इनका एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सपायर हो गए। तो गाइस कौन से देश के हैं ये, अगर आपसे पूछा जाएगा, अमेरिका के। तो कौन है, ब्रैड गॉबराइट, ब्रैड गॉबराइट, तो ब्रैड गॉबराइट का नाम याद रखेंगे क्योंकि काफी फेमस नाम है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, देखिएगा उसकी बात अगर मैं आपको करूं नॉर्मली, तो यहां पर ये सारी चीजें आ गई है। देखिएगा अब बात करते हैं 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस शहर द्वारा की जा रही है, तो गाइस 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन से शहर कर रहा है इसको, भुवनेश्वर कर रहा है, भुवनेश्वर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों का है गाइस, अगर इसमें कोई डाउट आप लोगों को हो तो जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल यहां पर आएगा राहुल जी, डेफिनेटली आएगा। तो गाइस ये है आप लोगों का, कोई डाउट अगर हो यहां पर मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। तो गाइज ये आप लोगों का सेशन था, मैं आगे भी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा कि थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है, खांसी आ रही है उसकी वजह से, तो मैं आज के वाले को कल वापस कंटिन्यू कर दूंगा, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे सही टाइम पर, ठीक है,
कल सुबह कितने पे मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे, ध्यान रखेंगे, और जो भी आज के लगभग 20 क्वेश्चन आज वाले रह गए हैं कल उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर आपका रहा हो तो मुझे बता देंगे। चीजें पीडीएफ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी 12 बजे तक, जो आपका वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा उसमें 12 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे कब, कल सुबह 6 बजे, और देखिएगा कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करेगा 1%। कल हमारा टारगेट 1000 पार होगा और वो आप लोग करोगे, मेरा नहीं है ये आप लोगों का टारगेट है। ओके, आप लोगों की वीडियो है, आप लोगों का सब कुछ है, आप ही लोगों का लाइक है, आप ही लोगों का डिसलाइक है, ओके वो सब आप ही के खाते में जाता है। कैसा लगा सेशन तो एक बार जल्दी से ये भी बताएंगे। हैव ए नाइस डे, अच्छे से रहिएगा, सारी चीजें पढ़िएगा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।